हाँ जी बच्चा लोग, पहले उन लोगों को आपके बारे में बता देते हैं कौन कौन आए हैं। मानसी जी आज देखो ये आए हैं, अपने सपना जी आई हैं, राखी, चारवी, प्रिया सुहाग, प्रीति, वंशिका, डॉक्टर मिस्टर यशपाल, शिक्षा, प्रिया, सचिन, समीर और पारस आज क्लास में आए हैं। क्रेश, ये सब लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और मुझे पता आप लोग भी घर बैठ के इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। ये इंतज़ार वैसे एक दिन का और, कल से आप सब लोग आ सकते हैं। तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक कौन सा है मेरे भाई यहाँ पे आपका? फ्रूट। हमने कल लास्ट क्लास में अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था फ्रूट, तो वहीं से शुरुआत करते हैं बेटा जी। अगर कोई आपसे पूछे कि एक फ्रूट होता क्या है, तो आप एक जस्ट आंसर दो कि सर अभी तक हमने फ्लावर को पढ़ा है, वो सारा का सारा जो चीजें थी फ्लावर में प्री रिप्रोडक्शन की बात हो रही थी और फ्लावर का आने का एक ही लॉजिक था कि वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था। अब उसमें सर जो एसेंशियल स्ट्रक्चर उनमें गैमिट बनके तैयार हो रहे हैं, वहां पोलिनेशन होगा, वहां फर्टिलाइजेशन होगा और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वो जो ओवरी है वो राइपन होके क्या बन जाएगी बेटा जी यहाँ पे आपकी? फ्रूट बन जाएगी। और वो जो ओव्यूल है वो राइपन होके क्या बन जाएगा बेटा जी यहाँ पे? सीड बन जाएगा। तो सिंपल सी सरल भाषा में कोई आपसे पूछे कि फ्रूट क्या होते हैं, तो आप एक ही आंसर दोगे, इट्स ए राइपन ओवरी। ये क्या है बेटा जी यहाँ पे? इट्स ए राइपन ओवरी। अब ये राइपन ओवरी बनती कैसी है उसके बेसिस पे आपने दो वर्ड जाने। या तो क्या होता है बेटा जी यहाँ पे आपका कि आपने कहा कि फ्रूट जो होते हैं फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सचिन मैंने वर्ड बोला कि फ्रूट तो बनेगा बट जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और एग की सेल फ्यूज हो जाएगी मेल गैमिट के साथ में और वहां जायगोट बन जाएगा, जायगोट के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा और एक सीड क्या बनेगा बेटा जी वहां पे आपका, सॉरी एक ओव्यूल क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। एक ओवरी राइपन होकर क्या बन जाएगी बेटा जी आपका? फ्रूट बन जाएगी। तो यहां पे फ्रूट तो बन रहा है बट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बन रहा है। बट कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे वंशिका जी फ्रूट बनेगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा। तो मैंने कह दिया ऐसी भी कंडीशन है जहां फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बनेंगे मेरे भाई यहां पे। एक पॉइंट को समझ के देखिएगा, जहां भी बेटा जी सीड, जहां भी आपका फर्टिलाइजेशन के बाद अगर फ्रूट बनना होगा तो वहां सीड भी होगा फ्रूट के अंदर, हा या ना? बट अगर फ्रूट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो क्या वहां सीड होगा? क्योंकि ओव्यूल भी तो राइपन होके क्या नहीं बना? सीड नहीं बना ना। तो मैं कहूंगा यहां पे फ्रूट कैसा होगा? सीडलेस होगा। यहां पे कैसा होगा? सीड वाले होंगे। होंगे नहीं होंगे तो मैं कहूंगा फ्रूट विद सीड। ये कैसा होगा? फ्रूट विदाउट सीड होगा, हा या ना? एग्री करते हो मेरी बात के साथ में? अब एक और बात है, आपने कह दिया कि सर यहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद आपके फ्रूट बन रहे हैं। अब एक पॉइंट आता है कि सर एक फ्रूट डेवलप किससे होता है? तो जैसा डेफिनेशन कहती है कि फ्रूट डेवलप होता है बेटा जी फ्रॉम द ओवरी, तो सर क्या फ्रूट को बनाने में सिर्फ और सिर्फ ओवरी ही इन्वॉल्व हुई? प्रीति जी आंसर मिला यस, सिर्फ ओवरी से ही क्या बना है हमारा? फ्रूट बना है। बट एक आंसर आया कि नहीं, सिर्फ ओवरी के साथ साथ और भी जो पार्ट थे लाइक थैलेमस या कोई और जो पार्ट थे वो भी साथ में क्या हो गए बेटा जी आपके? इन्वॉल्व हो गए। तो मैं कहूंगा ये फ्रूट सिर्फ ओवरी से नहीं बना, ओवरी के अलावा और भी चीज इसमें क्या हो गई बेटा जी आपके यहाँ पे? इन्वॉल्व हो गए। तो मैं कहूंगा ये फ्रूट तो भैया जी ओवरी के अलावा किसी और चीज से भी बना है, जबकि मेरी डेफिनेशन ये कहती है फ्रूट सिर्फ किससे बनता है बेटा जी आपका? ओवरी से। तो मैंने कह दिया इसके बेसिस पे ये फ्रूट फर्दर मेरे दो टाइप के हो गए बच्चा। मैंने नाम बोल दिया इनका यहाँ पे ट्रू फ्रूट। मैंने नाम क्या बोल दिया बेटा जी यहां पे? ट्रू फ्रूट। एक ऐसा फ्रूट दैट डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी। तो मैं कहूंगा वो फ्रूट क्या है बेटा जी आपका यहां पे? ट्रू फ्रूट। आप एग्जांपल के तौर पे जो बहुत खाते हो आप लोग वो लिख सकते हो यहां पे, मैंगो इज ए ट्रू फ्रूट। मैंगो कैसा है बेटा जी आपका यहां पे? ट्रू फ्रूट है। आप यहां पे आते हैं, आपने वर्ड बोला बेटा जी फॉल्स फ्रूट। प्रिया जी नाम से हमें समझ में आ रहा है फॉल्स मतलब ये फ्रूट असली फ्रूट नहीं है। अब असली का यहां मतलब क्या है कि भाई इसे होना चाहिए था ओवरी से डेवलप बट ओवरी के अलावा और भी चीजें यहां पे क्या है बेटा जी आपकी इन्वॉल्व हो गई लाइक थैलेमस। लाइक
थैलेमस। कंडीशन को समझ के देखो वंशिका जी, आपने कंडीशन पढ़ी थी इंफीरियर ओवरी की, कौन सी कंडीशन पढ़ी थी? या वहां पे एक वर्ड आया था एपिगाइनस, वर्ड क्या आया था? ये वर्ड याद, एपिगाइनस। प्रिया जी, गाइनस बोले तो ओवरी, एपी बोले तो ऊपर, कि हर एक चीज ओवरी से कहा है बेटा जी आपकी ऊपर प्रेजेंट है, वो कंडीशन क्या थी आपकी? देखो जरा डायग्राम को बना के, आप लोगों ने कुछ ऐसा कहा था कि सर इस तरह से आपका जो थैलेमस है वो ऐसे इंक्लोज कर लेता है ओवरी को अपने अंदर, है या नहीं है बेटा जी? और आपने कहा सर यहां पे बैठा हुआ है सेपल, यहां पे बैठा हुआ है पेटल, और यहां पे स्टेमन वगैरह बैठे हुए थे। सर फर्टिलाइजेशन हुआ, पोलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे गिरा, पोलन ट्यूब बनी और जाके यहां फर्टिलाइज हो गया, और सर यहां सीड बन गया, और जब ये ओवरी राइपन होकर फ्रूट बनने लगी तो ये थैलेमस भी इन्वॉल्व हो गया फ्रूट को बनाने में, ये थैलेमस भी पारस इन्वॉल्व हो गया। किसको बनाने में बेटा? जब फ्रूट को बनाने में, तो मैं कहूंगा ऐसा जो फ्रूट है उसमें ओवरी के अलावा और भी कंपोनेंट क्या हो गए? इन्वॉल्व हो गए। मैं कहूंगा ऐसा जो फ्रूट होगा क्या कहलाएगा बेटा जी? आपका फॉल्स फ्रूट। वंशिका जी क्लियर है बात? तो मैं कहूंगा इसका एग्जाम्पल क्या है, आप लोग खाते हैं एप्पल स्ट्रॉबेरी, क्या है बेटा जी? एप्पल और स्ट्रॉबेरी, हम पूरा उसे डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे जाके, अभी जब डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, ये जस्ट मैं पीछे के एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं मेरे भाई। अब एक वर्ड आता है ट्रू फ्रूट के लिए, एक वर्ड आता है बेटा जी यूकार्प। वर्ड क्या आता है? यू का मतलब क्या है बेटा जी? ट्रू, और कार्प का मतलब फ्रूट, कार्प का मतलब फ्रूट। वैसे यहां पर भी एक वर्ड आता है बेटा जी सूडो कार, सूडो बोले तो बेटा जी फॉल्स, कार बोले तो बेटा जी फ्रूट, कि एक फॉल्स फ्रूट क्या है बेटा जी? यहां पे आपका सूडो कार्प है। अगला पॉइंट आता है, यहां पे एक वर्ड आता है कि सर जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हुआ उसके लिए क्या वर्ड आएगा? तो मैं कहूंगा इसके लिए वर्ड आएगा बेटा जी पार्थिनो कार्पिक फ्रूट। अब कई बार आपके दिमाग में पॉइंट आता होगा यहां पे, राकेश जी सिर्फ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसे डेवलप हुए, हाउ ए ओवरी गिव राइज टू ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन? तो मेरा आंसर होगा ड्यू टू द इंबैलेंस ऑफ द हार्मोन, ड्यू टू द इंबैलेंस ऑफ द। अब ये हार्मोन कौन से हैं? तो आप लोगों ने प्लांट के अंदर तीन आपने हार्मोन पढ़े होंगे मेन बेटा जी, ऑक्सिन साइटोकाइनिन जिबरलिन, ये नाम सुने आप लोगों ने 10th क्लास में, आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये नाम सुने होंगे, ऑक्सिन होता है, साइटोकाइन होता है, जिबरलिन होता है, और ये सारे के सारे हार्मोन प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करने वाले हैं। तो मैं कहूंगा इन हार्मोन्स का अगर लेवल ज्यादा हो जाए तो भैया जी ओवरी को इंड्यूस कर देते हैं कि वो फ्रूट का फॉर्मेशन करे विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये सब काम होता है ड्यू टू द इंबैलेंस ऑफ द हार्मोन लेवल लाइक ऑक्सिन जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। इसका एक नेचुरल एग्जांपल क्या है बेटा जी आपका यहां पे? बनाना। क्या है बेटा जी यहां पे? बनाना। सब लोग खाते हैं अब बनाना, बनाना में देखा होगा आप लोगों जो बीच में एक ब्लैक स्ट्रिप होती है, जो ब्लैक स्ट्रिप होती है बीच में, वो क्या है बेटा जी आपका? अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। देखा है सब लोगों ने केला? वैसे हम यहां पर दोबारा दिखाएंगे आपको काट के, उनको सब चीजें पढ़ाएंगे उसमें क्या चीज क्या होती है, बट पॉइंट को जरा समझ के देखो। आप जो व्हाइट वाला पार्ट खाते हैं, पहले ऊपर से छिलका उतारा आपने, फिर व्हाइट पार्ट आया, उस व्हाइट पार्ट को अगर चीर के देखोगे उसके अंदर निकलेगा एक ब्लैक कलर का स्ट्रिप, और उस ब्लैक कलर के स्ट्रिप पे बेटा जी डॉट 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 होंगे व्हाइट कलर के, वो जो डॉट डॉट है बेटा जी वो सबके सब क्या है वहां पे? आपके अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। यहां तक की बात क्लियर होती है? ये तो एक बेसिक आइडिया था फ्रूट के बारे में, अब हम फ्रूट को डिटेल में पढ़ना शुरू करते, तब मैं बातें करूंगा टाइप ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ द सॉरी पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और उसके बिना ही वहां पे आपका डेवलप हो जाता है क्या फ्रूट। जैसे हम बातें ये वर्ड यूज करते हैं बेटा जी इन द केस ऑफ द हनी बी, शायद आप लोगों ने सुना हो या नाम ना सुना तो सुनिएगा, हनी बी के अंदर जो मेल पैदा होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन पैदा होता है, जो फीमेल का एग है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या बन जाता है बेटा जी आपका यहां पे गिव राइज करता है मेल को, जबकि फीमेल जो होती है वो पैदा होती है किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने ऐसा कि एक ऐसी फीमेल जिसकी अभी तक मेटिंग नहीं हुई किसी मेल के साथ में, और उसका एग जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या कर रहा है बेटा जी यहां पे? गिव राइज कर रहा है किसको मेरे भाई? यहां पे एक न्यू वन को। इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, वहां पे यहां पे बोल दिया पार्थिनोकार्पिक। क्योंकि सोच के देखो फर्टिलाइजेशन के बाद सारा काम होना चाहिए था,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात सारा काम होना चाहिए था, बट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिया वाई नहीं, और उसके बिना ही यहाँ पे क्या हो गया बेटा जी, फ्रूट आपका पैदा हो गया। तो ऐसे बोलते हैं ये वर्जिन फ्रूट है जो विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो बेटा जी यहाँ पे पैदा हो गए। चले मेरे भाई आगे, यहाँ पे ये थी हमारे एक बेसिक सा आइडिया अबाउट द फ्रूट। अब हम बातें करते टाइप ऑफ द फ्रूट की, किस बेसिस पे हम बातें करेंगे फ्रूट के टाइप की बातें बेटा जी यहाँ पे, कि उस फ्रूट को बनाने में कितनी ओवर या कितने फ्लोवर यूज हुए उनके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे बेटा जी आपके यहाँ पे फ्रूट्स को। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, यहाँ पर टेबल को सुनना आप सब लोग। मैंने पहला वर्ड बोला बेटा जी सिंपल फ्रूट, वर्ड मैंने क्या बोला बेटा जी समीर सिंपल, मतलब एक ऐसा फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम ए फ्लोवर दैट हैव ए सिंगल पिस्टिल, एक ऐसे फूल से पैदा हो रहा है जिस फूल में एक ही कार्पल था, कितना कार्पल था एक ही कार्पल था, ये उससे डेवलप हुआ है, या फिर मल्टी कार्पल था बट सारे के सारे कार्पल फ्यूज होके कितना बन गया एक बन गया। मैंने कंडीशन बताया कि फ्रूट कैसे डेवलप हुआ है, इट डेवलप फ्रॉम ए फ्लोवर दैट हैव ए सिंगल पिस्टिल और हैव द मल्टी पिस्टिल बट ऑल दैट फ्यूज, तो वहां कंडीशन कौन सी है बेटा जी सिनकार्पस की कंडीशन है। कैसी है तो मैं लिखूं उस बात को, तो मैंने बोला बेटा जी फ्रूट डेवलप फ्रॉम ए फ्लोवर दैट हैव सिंगल पिस्टिल और आप कह सकते हो सिंगल कार्पल, ये है मेरा पहला पॉइंट, बट ऐसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा मैंने पॉइंट बोला और फ्रॉम मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस, बेटा ये वर्ड आपको मैंने पहले बताए हैं पारजी, मैंने वर्ड बोला सिन कार्पस कि सारे के सारे बेटा जी कार्पस वो क्या हो गए बेटा जी फ्यूज हो गई, क्या हो गई फ्यूज हो गई, वो क्या कंडीशन है बेटा जी यहां पे सिन कार्पस। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिस्चिलिया, क्या एग्जांपल दिया था वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, बट अभी और बहुत सारे एग्जांपल यहां पे आएंगे जहां पे आपको बताऊंगा जहां पे कंडीशन कैसी है बेटा जी आपकी सिन कार्पस की है, कैसी है तो और एग्जांपल भी आ जाएंगे टॉपिक के साथ साथ। यहां पे पॉइंट को समझ के देखो मैं क्या समझा रहा हूं यहां पे। वंशिका जी हमने कहा ये फ्रूट सिंपल है क्योंकि ये ऐसे फ्रूट है जो डेवलप होते एक ऐसे फ्लावर में जहां पे एक ही कार्पल थी या फिर कार्पल का नंबर ज्यादा था बट वो सब के सब रखे क्या हो गया बेटा जी फ्यूज होके कितना बन गया एक बन गया, ये ऐसे फ्लोर में क्या होती है शिक्षा जी यहां पर डेवलप होती है। लॉजिक सेट होता है यहां पर। आपने कहा सर दूसरा टाइप क्या है, तो दूसरे टाइप का नाम है बेटा जी यहां पर एग्रीगेट, आई थिंक आप नाम से समझ गए होंगे। वर्ड क्या बोला मैंने, क्या होता है एग्रीगेट, जो बहुत सारी चीजों को एक साथ मिलाए तो क्या बनता है एग्रीगेट हो जाता है, एग्रीगेशन नहीं कहते हो आपका कि आपके मार्क्स का एग्रीगेट कितना है, जैसे आप केवीपीआई का फॉर्म भरे थे तो एग्रीगेट ऑफ द साइंस एंड द वो मार्क्स पूछे, एग्रीगेट मतलब सबके मिला के बताओ कितना बना आपका, यही ना एग्रीगेट का मतलब कि भाई आपकी एग्रीगेट कितनी परसेंटेज बनी, तो मतलब अपनी परसेंटेज बतानी है आपको कितनी बनी यहां पे। साइंस का मैथ का एग्रीगेट बताना, तो साइंस के मैथ के नंबर जोड़ के आपको बताना कि मेरी कितनी परसेंटेज बनी उन दोनों में, यही ना है एग्रीगेट का मतलब। तो वैसे हमने बात बोली कि एक ऐसे फ्लोर में डेवलप होगा जहां पे मल्टी कार्पलरी कंडीशन है और वो सारी सारी कार्पल कैसी है बेटा जी फ्री है, वो सारी सारी कैसी है, यहां पर कंडीशन क्या लिखी है समीर, मल्टी कार्पल तो यहां पर भी आया बट कंडीशन कैसी आई मेरे भाई, वहां मैं क्या बोल रहा हूं मल्टी कार्पल ही कंडीशन है, कंडीशन कैसी है बट सबके सब कैसी बैठी हैं फ्री बैठी है, वहां कंडीशन कैसी है एपोकार्पस है, कंडीशन कैसी है, डिफरेंस आया कि नहीं आया, आया ना। तो हमने बोला डेवलप फ्रॉम ए फ्लोवर दैट इज मल्टी कार्पल मल्टीकार्पलरी एंड एपोकार्पस,
मल्टीकार्पल है, यहां पे मैंने सिंगल वाली बात हटा दी, यहां पे तो मैंने लाइन लिखी थी जिसके पास सिंगल है वो लाइन मैंने हटा दी, अब वर्ड सिर्फ क्या है बेटा जी यहां पे मल्टी है। पारस कैसा वर्ड है यहां, बट सब के सब कैसी हैं बेटा जी फ्री हैं, कंडीशन कैसी है अपो कार्पस है, यहां पे मल्टी है तो सबके सब फ्यूज हैं, डिफरेंस को पकड़ो मेरे भाई, बनेगी मिले के एक ही, यहां या तो वो एक ही है या फिर फ्यूज होके क्या बन गई एक बन गई, यहां वो अलग अलग है, मल्टी कार्पल कंडीशन ही है। लॉजिक सेट हो रहा है बात के पीछे। तीसरा कंपोसाइट फ्रूट, तीसरा नाम कंपोसाइट फ्रूट। यहां भैया जी फूल ही एक नहीं, फूल ही बहुत सारे हो गए, तो मैंने कहा बेटा जी फ्रूट डेवलप फ्रॉम ए कंप्लीट इनफ्लोरोसेंस, वर्ड को समझाते हैं फिलहाल आपको। डेवलप फ्रॉम ए कंप्लीट इनफ्लोरोसेंस। अब आप कहोगे सर इनफ्लोरोसेंस क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द स्टेम, कि एक स्टेम के ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है, और एक ऐसी कंडीशन जहां पे एक अकेला फूल नहीं है, उसमें कई सारे फूल क्या है बेटा जी मिले हुए थे, उन सब फूलों से मिलके मेरे भाई एक फ्रूट डेवलप हुआ है, ऐसी जो कंडीशन है वो क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे कंपोसाइट फ्रूट। डिफरेंस समझ में आ रहा है मेरे भाई पारा जी, डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब देखो दोबारा मॉर्फोलॉजी वर्ड को जोड़ के देखो, प्रीति जी दोबारा वर्ड को सोचो, मॉर्फोलॉजी कहता है कैसी फॉर्म और कैसे फीचर्स है। फ्रूट एक चीज है जो बनती है ओवरी से, या तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन या फिर बिफोर द, बट उसी एंजियोस्पर्म प्लांट में फ्रूट के बनने के तरीके कैसे हैं, उसकी अलग अलग फॉर्म्स है, उनके अलग अलग फीचर्स है, वो क्या फीचर्स है, या तो भैया जी एक ओवरी में एक ही कार्पलर उससे ही फ्रूट डेवलप हो गया, या फिर बहुत सारी हैं बट फ्यूज होके कितना बन गया एक बन गया और उससे डेवलप हो गया। सही है, आपने कहा नहीं सर मल्टी कार्पल है और सबके सब एग्रीगेट होके एक को बनाएंगे, ये बन गया एग्रीगेट फ्रूट। कंडीशन कैसी है, एपोकार्पस है बट है एक ही फ्लोवर मेरे भाई, यहां मैंने कहा भाई फ्लोवर ही बहुत सारे हो गए यहां पारस, ये कंडीशन बनेगी कौन सी यहां पे कंपोसाइट फ्रूट की। डिफरेंस समझिएगा तीनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। अभी और बहुत कुछ आना बाकी है, तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट है मेरे भाई आपका, अभी मैं इनके भी टाइप में घुसने वाला हूं मेरे भाई, अभी इनके भी टाइप होने वाले, चीजें अभी शुरू हुई है, तो हम जो फ्रूट्स आपके मंगाए हैं उनको काट काट के देखेंगे मेरे भाई यहां पे, उन फ्रूट्स को पूरा डिटेल में पढ़ना है हमें मेरे भाई यहां पे, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट है मेरे भाई। आगे चलें बेटा जी, दोबारा बोलो बेटा, इनफ्लोरोसेंस वैसे टॉपिक हमें पढ़ना है गुड़िया अभी आगे जाके, बट इनफ्लोरोसेंस होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम, एक स्टेम के ऊपर फूल कैसे अपने आप को अरेंज करता है वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है गुड़िया। एक स्टेम पे फूल कहां प्रेजेंट, क्या टिप के ऊपर है या उसके बेस साइड में आया लैटरल ब्रांच पे है, वो एक पेड़ पे कहां है, उसके जब अरेंजमेंट को पढ़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा जी इनफ्लोरोसेंस। अब हम कहेंगे इनफ्लोरोसेंस फर्दर दो टाइप की होती है, या तो होती है सोलिटरी इनफ्लोरोसेंस, शायद एक दिन मुझसे वंशिका ने पूछा, किसने पूछा था मुझसे कि सोलिटरी, किसने पूछा था मुझसे आपकी क्लास में सोलिटरी इनफ्लोरोसेंस क्या होता है, अंशु ने पूछा था। सोलिटरी का मतलब होता है एक ऐसी इनफ्लोरोसेंस जिसमें एक ही फूल है वो क्या कहलाएगा बेटा जी यहां पे सोलिटरी। वैसे नॉर्मली जो इनफ्लोरोसेंस होती है वो क्या होती है बेटा जी आपकी मल्टी होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सनफ्लावर, आपको सनफ्लावर में फूल कितने नजर आ रहे हैं, सनफ्लावर सर एक ही फूल है, ये वो एक फूल नहीं है, वो छोटे छोटे फूलों का पूरा क्या है बेटा जी वहां पे अरेंजमेंट है। याद करो मैंने बताया उसके बाहर जो पंखड़ियां हैं वो तो सब न्यूट्रल फ्लावर हैं, और बीच में क्या है बेटा जी आपके सेक्सुअल फ्लावर है बेटा जी, पारस याद करो बाहर रियो फ्लोरेट्स बात हुई है किसकी यहाँ पे, रियो फ्लोरेट्स की, जो कि आपने कहा था न्यूट्रल फ्लावर है, वहां पे खाली स्टेमन है, वहां पे सारी आपके पेटल्स हैं, बाकी स्टेमन और कार्पल वहां पे क्या है बेटा जी आपके अब्सेंट है, वही है ना, ऐसी बात है, वही बात आपके साथ कर रहे हैं बेटा जी। तो ऐसे हम बात करेंगे पूरे के पूरे ग्रुप से ही बन जाएगा इनफ्लोरेसेंस, पूरी की पूरी इन्वॉल्व हो जाएगी किसको बनाने में बेटा जी, फ्रूट को बनाने में, वो बन जाएगा क्या मेरे भाई यहां पे कंपोसाइट। पढ़ेंगे इसका एग्जांपल आएंगे, इसके एग्जांपल में आता है वैसे पाइनएप्पल अनानास, तो आएगा अभी आप पढ़ेंगे इस सबको, अभी तो जस्ट एक रिडक्शन पार्ट शुरू हुआ है कि कैसे कैसे आगे बात चलने वाली है अपने यहां पर। हाँ